हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल घर की रसोई एंड टिप्स एंड ब्लॉग में। तो फ्रेंड, आज हम लेकर आ गए हैं मिक्स दाल तड़का की रेसिपी। एकदम स्वादिष्ट डिलीशियस मिक्स दाल तड़का बनाकर तैयार करेंगे फ्रेंड, एकदम घर के मसालों से। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट करना ना भूले। अगर चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिक्स दाल तड़का बनाने के लिए हम एक कटोरी मिक्स दाल लिए हैं। इसमें चना, अरहर, साबुत मसूर, राजमा, सारे दाल मिक्स है फ्रेंड। तो इसको अच्छी तरह से धुल लेंगे दो पानी से। इस दाल को हम भिगो कर नहीं रखे हैं फ्रेंड, बस धोना है, दो पानी से धो लेंगे। एकदम झटपट बनाकर तैयार करेंगे इस रेसिपी को। तो अच्छी तरह से रगड़कर धो लेना है दो पानी से। क्योंकि बाजार का दाल होता है फ्रेंड, तो धोना ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड, हम दाल को दो पानी से धो लिए हैं। तो चलिए अब हम गैस की ओर चलते हैं। तो इधर कुकर में हम एक लीटर पानी डाल दिए हैं, पानी गर्म हो गया है। तो अब हम दाल को डाल देंगे फ्रेंड। पानी उबलने लग गया है, आप देख सकते हैं। तो हम इसमें हल्दी डालेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, एक चम्मच ऑयल डाल देंगे फ्रेंड। हम सरसों तेल डालेंगे हैं, आप चाहे तो जो भी तेल में आप बनाते हैं खाना उसको डाल सकते हैं। तो कुकर का ढक्कन लगाकर एक सीटी हाई फ्लेम में आने तक पकाएंगे। हाई फ्लेम में एक सीटी आने वाला है फ्रेंड, आप देख सकते हैं। तो एक सीटी आ गया है, तो गैस के फ्लेम को हम लो कर देंगे। लो फ्लेम में चार से पांच सीटी आने तक पकाएंगे। तब तक हम इधर दो प्याज लिए हैं, दो टमाटर लिए हैं, इसको बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। जब तक उधर दाल में सीटी लग रहा है, तब तक हम इधर प्याज टमाटर काट लेते हैं फ्रेंड। इस तरीके से तो प्याज काट लिए हैं फ्रेंड, हम टमाटर को भी काट लेंगे उसी तरह से। टमाटर के जड़ वाले पार्ट को हटा देंगे काटकर। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, टमाटर का पार्ट जड़ वाला हम अलग कर दिए हैं। तो प्याज टमाटर को हम काट लिए हैं। चलिए गैस की ओर चलते हैं फ्रेंड। उधर मेरे दाल में पांच सीटी लग गया था, तो हम बंद कर दिए हैं, ठंडा हो रहा है। तब तक हम इधर तड़का लगा लेते हैं, क्योंकि टमाटर प्याज पकने में भी टाइम लगेगा फ्रेंड, तब तक कुकर ठंडा हो जाएगा। तो कढ़ाई गर्म होने के बाद हम वन टेबल स्पून सरसों तेल डाले हैं, तेल को अच्छी तरह से गर्म होने दिए हैं। वन टी स्पून जीरा डालेंगे, वन पिंच के करीब हींग डालेंगे फ्रेंड, हींग ज़रूर डालिएगा, इससे अच्छे टेस्ट आते हैं दाल तड़का में। तो अब हम प्याज काटे हुए डाल देंगे, काटे हुए प्याज को। तो चला देंगे अच्छी तरह से, एक मिनट तक भूनेंगे प्याज को। प्याज एक मिनट तक भून गया है, उसके बाद एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसको भी चलाते हुए एक मिनट तक भूनेंगे। प्याज अदरक लहसुन सभी अच्छी तरह से भून गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है फ्रेंड। तो अब हम बारीक कटे हुए टमाटर को डाल देंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे, साथ साथ
थोड़ा सा नमक डालेंगे फ्रेंड, ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। ध्यान रहे फ्रेंड कि नमक हम पहले भी डाले हैं दाल को उबालते समय, तो हाफ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर डाले हैं, इससे दाल में कलर अच्छे आएंगे। और 1/4 टी स्पून के करीब हल्दी भी डाले हैं, थोड़ा सा पानी डाल देंगे 2-3 चम्मच के करीब। इससे क्या होगा कि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा जल्दी से, और हमारे मसाले जलेंगे नहीं। तो ढक कर टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। टमाटर उधर जब तक सॉफ्ट हो रहा है फ्रेंड, तो हम इधर दाल को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं दाल 5 सीटी लगने के बाद कुकर ठंडा हो गया है। तो हम कुकर से दाल को एक बड़े बर्तन में निकाल लिए हैं, कुकर को खाली किए हैं फ्रेंड, क्योंकि हमको चावल बनाना है उसमें। इस वजह से आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा गाढ़ा दाल बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड इधर टमाटर भी सॉफ्ट होने चला है, आप देख सकते हैं हल्का सा पानी डाले हैं फ्रेंड, तो टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, जलते भी नहीं हैं। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। फ्रेंड हम एकदम घर के मसाले से ये दाल तड़का बनाकर तैयार कर रहे हैं। सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे और ढक कर 2-3 मिनट तक मसाला को पकाएंगे। 2-3 मिनट पका लिए हैं। अब हम इसमें 2 हरी मिर्ची को चीरा लगाकर डालेंगे। हरी मिर्ची डालने से और भी अच्छे टेस्ट आता है फ्रेंड, तो ज़रूर डालिएगा। तो ढककर और 1-2 मिनट पका लेते हैं। 1-2 मिनट पका लिए हैं, मिर्ची भी सॉफ्ट हो गया है मसाले के साथ, मसाला अच्छी तरह से पक गया है, ऑयल छोड़ दिया है। तो अब हम दाल को डाल देंगे। अच्छी तरह से मिला लेंगे। जिस बर्तन में दाल था फ्रेंड, उसमें दाल लगा हुआ था, तो उसमें और हम थोड़ा सा 1/2 गिलास के करीब गर्म पानी डालकर डाल दिए हैं, क्योंकि दाल तड़का बहुत गाढ़ा है। तो ढक कर 1 उबाल आने तक पकाएंगे। 1 उबाल आ गया है फ्रेंड, दाल अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। आप घी या बटर कुछ भी डाल सकते हैं, इससे और भी अच्छे टेस्ट आते हैं। तो फ्रेंड धनिया पत्ता मेरे पास बहुत कम था, थोड़ा सा बचा हुआ था, तो डाल दिए हैं। तो धनिया पत्ता आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आपके पास है तो थोड़ा ज़्यादा ही डाल दें, मेरे पास फ़िलहाल नहीं था, ख़त्म हो रहा था। तो दाल को ढककर 2-3 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ दिए थे फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं दाल कितने अच्छे गाढ़ा बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड वीडियो में उतना साफ नहीं दिख रहा है, क्योंकि मेरे यहाँ लाइट नहीं था, आज सुबह से लाइट कटा हुआ था। तो चलिए फ्रेंड गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं चावल के साथ दाल तड़का। वाव, आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस, एकदम गाढ़ा गाढ़ा टेस्टी हेल्दी दाल तड़का तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।